हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है 7 जुलाई 2023 और आज यूपी बीएड काउंसलिंग 2023 को लेकर एक अपडेट आ रही है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग आपकी कब से स्टार्ट होगी, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है एंड काउंसलिंग शेड्यूल कब तक आएगा। तो यूपी बीएड काउंसलिंग 2023 की संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, एडमिशन कराना है इस बार, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि काउंसलिंग में एडमिशन में बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं। तो अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, वीडियोस मेरी देखते रहेंगे, तो आपसे गलती नहीं होगी, सही से आपका एक ही यानी कि पहले ही फेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। ओके, तो बीएड की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। आज की अपडेट आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट इसको मैं पढ़ता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ अच्छे से। यहाँ पे देख सकते हैं, टल सकती है बीएड काउंसलिंग। आप सभी को पता है कि पहले से ही बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने एक डेट जो है फिक्स किए थे कि 10 तारीख से जो है इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और रीजन भी आप सभी को पता है कि इसकी काउंसलिंग क्यों नहीं स्टार्ट होगी, क्यों टल रही है, क्योंकि फाइनल ईयर का जो है रिजल्ट नहीं आया है। अगर 4.5 लाख बच्चों का रिजल्ट आया है तो उसमें से कम 1.5 से 2 लाख ऐसे बच्चे होंगे जो अपेयरिंग में फॉर्म फिल किए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आगरा हो गया, अयोध्या हो गया और लखनऊ विश्वविद्यालय में नहीं कराई गई हैं अभी तक परीक्षाएँ। रिजल्ट की तो बात छोड़िए, अभी तक ये लोग मतलब एग्जाम्स भी नहीं पूर्ण रूप से करवाए हैं, हालांकि अब तो स्टार्ट हो गए हैं। और भी यूनिवर्सिटी जैसे ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें तो राजर्षि टंडन, बहुत सारे बच्चे वहाँ से प्राइवेट भी ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो वो लोग भी कर रहे हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटियों का अभी एग्जाम्स नहीं हुआ है, रिजल्ट की बात छोड़िए, हालांकि अब स्टार्ट हो गए हैं। तो जब तक रिजल्ट इनका नहीं आ जाएगा तब तक आप लोगों की काउंसलिंग नहीं होगी। हाँ, अब जैसे 4 यूनिवर्सिटी का बाकी है, 4 में से 3 का आ गया और ये लोग डेट फिक्स कर दिए, फिर स्टार्ट कर देंगे। अभी तो डेट फिक्स नहीं है। नीचे देखिए, 10 जुलाई से प्रस्तावित जो है बीएड की जो है संयुक्त प्रवेश परीक्षा की काउंसलिंग लटक सकती है। इसका मुख्य कारण है आगरा, अयोध्या और लखनऊ विश्वविद्यालय में अभी तक स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं होना है। कहा जा रहा है कि इन विश्वविद्यालयों से संबंध जो है महाविद्यालयों के छात्र छात्राएं अंतिम वर्ष की मार्कशीट के बिना काउंसलिंग में नहीं बैठ पाएंगे, ऐसे में प्रस्तावित तिथि पर काउंसलिंग होना मुश्किल दिख रहा है। आगे से उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम 30 जून को जारी हो चुका है। परीक्षा में लगभग 4,22,000 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे, लेकिन अब तक काउंसलिंग की तैयारी जो है पूरी नहीं हो पाई है। अब तक आगरा, अयोध्या और लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं प्रारंभ ही नहीं हुई हैं, वहीं अन्य कुछ विश्वविद्यालयों में स्नातक की परीक्षाएं चल रही हैं, जिनका मूल्यांकन कार्य और जो है परिणाम जारी होना शेष है। ऐसे में जो है नीचे देखिए, 10 जुलाई से शुरू होने वाली काउंसलिंग पर जो है संकट मंडरा रहा है। हालांकि बीयू ने यानी कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने सभी विश्वविद्यालयों से परीक्षा संबंधी रिपोर्ट मांगकर शासन को भेजी है, जिसको लेकर विद्यार्थी भी संशय में है कि काउंसलिंग प्रक्रिया में विलंब होने के कारण नए सत्र प्रारंभ होने में भी देरी होगी। परीक्षाओं के संपन्न न होने के कारण काउंसलिंग प्रक्रिया की तिथि बढ़ाई जा सकती है। बीयू के कुलसचिव विनय कुमार सिंह ने बताया कि काउंसलिंग प्रक्रिया की तिथि बढ़ाए जाने तक का निर्णय शासन तक जो है लिया जाएगा शासन द्वारा। हालांकि अपडेट ये बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी, बस डेट फिक्स कर दी जाएगी 10 जुलाई के बाद। 11 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपकी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो मैं आपको बता दूं आपकी जो काउंसलिंग है डियर कब स्टार्ट होगी। आपकी काउंसलिंग अगस्त के 1st वीक में ही स्टार्ट होगी और इसका शेड्यूल आपको जैसे 10 अगस्त से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है तो 5 अगस्त को आपको जो है अपना शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। शेड्यूल एक चार्ट टाइप में आता है, मैं आपको दिखाया हूँ, कई बार दिखाया हूँ, उसमें रैंक दी रहती है तो रैंक के हिसाब से बच्चों को बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए। घर बैठे आप लोग काउंसलिंग कर सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं लगता है, केवल 2 लगता है। एक तो बैंक डिटेल पूछी जाती है, बैंक की पासबुक अपलोड की जाती है एंड एक जो फाइनल ईयर वाले इसमें बच्चे फॉर्म भरे थे ना तो उनका रिजल्ट लगेगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे जैसे अपेयरिंग में फॉर्म फिल किए थे उनका रिजल्ट आ गया है या आने वाला है तो अपने रिजल्ट में जो नेट वाली है ओरिजिनल अगर आपके पास नहीं है तो उसको अटेस्ट करवा लेना। अटेस्ट का मतलब बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो अटेस्ट का मतलब होता है सिग्नेचर मोहर। जिस कॉलेज से आप लोग अपना यूजी किए हैं उस कॉलेज के प्राचार्य या प्रिंसिपल से अपने सिग्नेचर मोहर करवा लेना, तभी वो वैलिड होगी, नहीं तो रिजल्ट कर दिया जाएगा। ओके, सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। आपकी काउंसलिंग अगस्त में ही स्टार्ट होगी, अगर
स्टार्ट हो जाती तो बहुत सारे बच्चों को नुकसान हो जाता इसमें, जिनकी अच्छी रैंक थी और उनका रिजल्ट नहीं आया था। तो ओके, तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट्स है मुझे इंस्टा पे आप लोग DM करें, इंस्टाग्राम ID की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।